हरि ओम। तो आज हम श्रीमद्भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 29वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी नारद मुनि के प्रश्नों के उत्तर देते हुए इस सृष्टि के विषय में किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हुई और किस प्रकार से उन्होंने उनका जन्म होने के बाद उन्होंने यज्ञ किया और इस यज्ञ करने के लिए उस समय कुछ भी नहीं था, सिर्फ भगवान और ब्रह्मा जी और अंधकार। तब उन्होंने भगवान के इस विराट रूप के शरीर से उन्होंने जो सब वस्तुएं जो है सब सामग्री प्राप्त की, उसका वर्णन अनेक अनेक श्लोकों में किया गया है। और उन्होंने इस प्रकार से यज्ञ जो है संपन्न किया। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे कि हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने जो प्रजापति है व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे किस प्रकार से यज्ञ, और यज्ञ बहुत जरूरी है। हम पढ़ चुके हैं कि यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस करने से हम बहुत कुछ पा सकते हैं भौतिक जीवन में भी, हमारे जीवन में जो कुछ आप लोगों ने ही बताया अनेक अनेक उदाहरण द्वारा कि किस प्रकार से ये सैक्रिफाइस या अपने जो समय, अपना बल, अपना बुद्धि को जो दूसरों के हित के लिए अपने जो निजी सुख को बलि चढ़ाना या उसको त्यागना, सैक्रिफाइस करना, चाहे वो परिवार है, चाहे वो देश है, चाहे वो समाज है, ये सब बताया गया। तो यज्ञ बहुत जरूरी है, इसीलिए इन श्लोकों में और भगवद गीता में भी भगवान ने अनेक अनेक श्लोकों से 3रे अध्याय में यज्ञ के विषय में बताया, सब हमने जाने। तो अब आगे ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं कि ये यज्ञ जो है श्री नारद मुनि के 9 भाई, तो ये जो 9 भाई जो है इसका वर्णन 3रे स्कंद में किया गया है। तो कभी कभी कुछ चीजें हैं जो बताई जाती है भागवतम में, पर आगे चल के हम उनको समझ सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो भगवद गीता हो या श्रीमद् भागवत है, हमें पूरा क्रम से पढ़ना होता है तो ही हम पूरी बात को समझ सकते हैं। अधूरी बात को अगर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो वो अधूरा रहता है और उससे हमारा ज्ञान जो है पूर्ण नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा।
हमें क्या करना है कि हमें धैर्य रख के उन जो चीजें हैं वो जब वो हमारे सामने प्रकाशित हो जाएगी तब हम समझ में आएंगे। तो हमने जब पढ़ा कि यहाँ पे, और सब ज्ञान तो सभी को नहीं होता, अपना अपना जो वैदिक साहित्य है इतना विशाल है, इस कलयुग में तो बहुत कठिन है। इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। श्री शिव जी जो है अपने गीता महात्म्य में ये बताते हैं कि इस कलयुग के लिए यही है एकम शास्त्रम, क्योंकि सब कुछ जो इस कलयुग में सब शॉर्टकट चाहिए, सब एक ही चाहिए, जल्दी चाहिए, तो एक शास्त्र भगवद गीता। और हम देखते हैं कि भगवद गीता में सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। सब वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है वो इस भगवद गीता में बताया गया। पर ये भगवद गीता में जो है ये सब कोड्स है, इस कोड्स को सिर्फ स्वीकार करना है, पर उससे हमें निश्चिंत रूप से ये जानना, निश्चित रूप से ये जानना चाहिए कि ये सब जो भगवद गीता में भगवान जो बताते हैं सभी शास्त्रों में हमें उसका प्रमाण जरूर मिलेगा। तो इसीलिए भगवद गीता इस युग में, क्योंकि समय बहुत कम है, सबकी आयु भी बहुत कम है, तो पूरा वैदिक शास्त्र को समझना और पढ़ना भी समय नहीं है हम। और वैसे भी अगर हम शुरू भी कुछ कोशिश भी करते या एक कदम भी आगे बढ़ते तो बहुत हमारा आयु पहले ही चला जाता है। एक्चुअली ये 5 साल की आयु से शुरू होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसीलिए इस युग के लिए भगवद गीता और इस युग के लिए भागवतम, ये दो चीज अगर हमारे पास है और इसको जान ले तो हम सब कुछ जान सकते हैं। क्योंकि वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य, सभी वेदों को पढ़ना या वेदों को जानना है भगवान को जानना, वो अल्टीमेट गोल हमें मिल जाता है। जो हमारा अंतिम जो उद्देश्य है वो सफल होना चाहिए, और ये अंतिम उद्देश्य जो है श्रीमद् भागवतम के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये अमल कुरान है, स्पॉटलेस है, और इस उद्देश्य को फुलफिल करने में या इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम का भी सब कुछ बताया जाए। और किससे कौन बता रहे, भगवान के महान भक्त के द्वारा। अभी हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने पूरा जो ज्ञान ऑलरेडी नारद मुनि को दे दिया था, श्लोक संख्या शायद कौन सा था, 18 18 तक, राइट, 18वें श्लोक तक उन्होंने ऑलरेडी जो ज्ञान पूरा बता दिया, जो उनका प्रश्न का उन्होंने जवाब ऑलरेडी दिया। लेकिन अब यहाँ पे वे ये अपने जीवन के उदाहरण से, ये जो उन्होंने सब कुछ बताया वो अपने जीवन के उदाहरण से बता रहे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसको कहते हैं आचार्य। जैसे श्री प्रभुपाद जी ने जो भी कुछ हमें जो थ्योरी दिया है, या जो कुछ भी भगवान श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में लिखते हैं, वो हमें खुद अप्लाई करके, खुद अपने आचरण से हमने हमें सिखाया है, और हमें हम देखे हैं प्रभुपाद जी का आचरण, कि वे जो है जो कुछ भी शास्त्र में बताएं वे उसको अपने जीवन में उतारा है।
इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी यहाँ पे जो है अपने जीवन के अनुभव से हमें नारद मुनि को आगे ये सिखा रहे कि क्या क्या जो हमने बताया था और गहराई से। तो ये सेकंड एक्सप्लेनेशन है, दूसरा बार, एक बार तो कर दिया वही बात वापस वो कर रहे कह रहे, तो कितना महत्वपूर्ण ये होगा। और ये ब्रह्मा जी आगे और भी एक्सप्लेन करने के लिए अपने जीवन के उदाहरण से, जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान ने जो कुछ भी ज्ञान दिया है भगवद गीता में और अन्य शास्त्र में, कि किस प्रकार से और श्रीमद् भागवतम में खास करके भक्ति के विषय में 10वें स्कंद में अपने अनेक अनेक लीलाओं के द्वारा उन्होंने हमें अंत में यही एक ही उद्देश्य और उनका एक ही जो उद्देश्य था वो है भगवान को प्राप्त करना। भगवान ने भी भगवद गीता में भी बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने बताया कि हमें शरणागत होना है, तो शरणागत होने के लिए श्रीमद् भागवतम, अनेक अनेक भक्तों के जीवन, जैसे कि पहला यहाँ पे ब्रह्मा जी और इतने इतने भगवान के महान भक्त है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, अनेक अनेक जो भक्त है, बलि महाराज, सबके उदाहरण, जीवन उदाहरण से हमें बताया कि भक्ति जो है परम है, तो ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाभगवान जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित होकर उन्होंने हमें हाथ पकड़ के भक्ति कैसे करनी चाहिए उन्होंने सिखाया अपने जीवन उदाहरण से, श्रीमती राधा रानी के भाव, क्योंकि सबसे उत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी, क्योंकि उनकी भक्ति कोई मैच नहीं कर सकता। तो उत्तम भक्ति जो है श्री राधा रानी ही जानती है और भगवान भी जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है हमें सिखाया हाथ पकड़ के, अब यहाँ पे ब्रह्मा जी भी सिखा रहे अपने जीवन का उदाहरण, और अपने जीवन का उदाहरण देके सिखा रहे। तो यहाँ पे जो 7 पुत्र जो है श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में बताया गया है कि ये जो 9 पुत्र सॉरी भाई या 9 भाई जो है नारद मुनि के, वो कौन है ये बताया गया। मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, विशिष्ट, दक्ष, ये 9 भाई है नारद मुनि के। पर उसका और भी डिटेल में वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 12वें अध्याय के 22वें श्लोक में से लेके 24वें श्लोक में ही बताया गया। तो ब्रह्मा जी कह रहे कि आपके 9 भाइयों ने जो प्रजापति है, तो ये प्रजापति दक्ष प्रजापति हम तो जानते हैं, फेमस तो यही है भागवतम में दक्ष प्रजापति। तो दो चीजें बताई गई, उन्होंने क्या किया, अव्यक्त व्यक्त तथा अव्यक्त, व्यक्त तथा अव्यक्त। व्यक्त मतलब प्रकट,
और अव्यक्त मतलब अप्रकट। उन्होंने क्या किया, ये व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों, बहुत सुंदर है, व्यक्त तथा अव्यक्त। देखिए व्यक्त तो ठीक है, प्रकट है, लेकिन अव्यक्त पुरुष कैसे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो हम जानते हैं कि नहीं, अभी इतना पढ़ रहे हैं तो समझेंगे, इतना पाठ ब्रह्मा जी ने पढ़ाया है इसके लिए कि ये अव्यक्त को समझे। व्यक्त तो प्रत्यक्ष देख देख सकते हैं ना, अव्यक्त को देखने के लिए क्या चाहिए, शास्त्रों की का चक्षु, चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे तो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो। रोज हम गाते हैं, वो ही गुरु प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है बता रहे कि अव्यक्त, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठानों सहित यज्ञ संपन्न किया। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे अन्य पार्षद आते हैं। तो ये व्यक्त पुरुष कौन है, देवता, और अव्यक्त पुरुष कौन है, साक्षात भगवान। व्यक्त और अव्यक्त, तो अव्यक्त भी कुछ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, कुछ दिखता नहीं इसका मतलब नहीं है कि कुछ नहीं है, लेकिन है, और इस का ही वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये भगवान को देखने का ये रास्ता दिया जा रहा है। देवता और भगवान, इस कलयुग में व्यक्ति देवता भी नहीं देखते। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के नियंत्रण, व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के नियंत्रक है, जबकि अव्यक्त भगवान दिव्य है और भौतिक व्यामो व्याम की सीमा से परे है। भौतिक व्याम की सीमा यहाँ पे बताया गया है। व्याम मतलब बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटेरियल एटमोस्फियर। द मैनिफेस्टेड पर्सनैलिटीज आर मंडेन कंट्रोलर्स ऑफ मटेरियल अफेयर्स, वेयर एज द नॉन मैनिफेस्टेड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटेरियल एटमोस्फियर। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस कलयुग में व्यक्त देवता भी नहीं देखते, दिखते, दिखता है किसी को नहीं दिखते, पहले दिखते है ना, जो बताया गया था पिछले प्रभा जी ने अपने तात्पर्य में कि 4,000 साल तक, अभी उसके बाद में जब तक युधिष्ठिर महाराज का राज, देवता भी आते। हम मन से बोल सकते, मन से ऐसा नहीं दिखता, नहीं तो है नहीं, हमें दिखता नहीं है तो इसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आंखें भी कितना, अपना रेंज क्या है, हम इस नेत्रों से कितना दूर तक देख सकते, क्योंकि हम अपने नेत्र से बस इतना ही देख सकते, मतलब जितना हमारी नेत्र से दिखाई जाता है वही सब कुछ है, ऐसे थोड़ी है, नहीं है ना। तो यहाँ पे कि
देवता भी नहीं दिखते क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा पूर्ण रूप से बंद है। अभी अभी हमने देखा किस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज गए थे, नारद मुनि लेके गए ना अंतरिक्ष यात्रा, किसको इनवाइट करने के लिए, जगन्नाथ मंदिर का इनॉग्रेशन करने के लिए, ब्रह्मा जी को इनविटेशन देने के लिए कहाँ गए? ना पुराना है जगन्नाथ मंदिर, ऐसा है नहीं कि अभी, क्या हजारों हजारों साल पहले। तो अतएव आधुनिक मनुष्य की ढकी हुई आंखें के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त बन गए हैं। भगवान नहीं है, देवता नहीं है, देयर इज नो गॉड, बस यही है ना, दिख नहीं रहा है। एक सुंदर ड्रामा हम करते थे, दयालु गोविंद, सबको याद आएगा, बहुत हंसी भी आई थी। दयालु गोविंद नाम है वहां पे, जरा यस माता जी, एक्सप्लेन कर दे, कमंडलू थेरेपी, जरा सबको बताइए कमंडलू थेरेपी क्या है। अच्छा माता जी, तो एक्चुअली एक स्वामी जी लेक्चर देते रहते हैं, प्रवचन देते रहते हैं कि कैसे भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है और बताते रहते हैं। तो तभी एक व्यक्ति वो उठ के आता है, मतलब उनके लेक्चर में एक बैठा रहता है, तो उठ के क्वेश्चन करने लगता है कि नहीं, भगवान नहीं हो सकते, कैसे भगवान है, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, इधर नहीं है, मतलब आपको दिखाई देते हैं कि आपने सेंसेस से भगवान दिखाई देते हैं। तो वो बोलता है कि, मतलब ये स्वामी जी समझाने की कोशिश करते हैं उनको कि नहीं, ऐसा नहीं होता, भगवान सब जगह सर्वत्र रहते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते आपको, मतलब वो समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो व्यक्ति रहता है, युवक रहता है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो फिर लास्ट में क्या होता है, तो ये स्वामी जी के पास एक कमंडल रहता है, तो कमंडल लेके वो जो युवक रहता है ना, उसके सर पे मारते हैं। तो फिर मारते हैं, तो फिर जैसे ही मारते हैं, तो फिर वो उसके सर से खून आने लगता है, वो रोने लगता है, अरे 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 ये क्या कर दिया, ये स्वामी जी ने मुझे मार दिया, ये कैसे हो सकता है। तो सब होता है, तो फिर उसको पुलिस आते हैं, पुलिस आके लेकर जाते हैं, वो सब होता है, तो कोर्ट में लेकर जाते हैं उनको फाइनली। तो कोर्ट में लेकर जाते हैं, ये कोर्ट में लेकर जाते हैं, तो जज उनको पूछता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया स्वामी जी को, कि आप ये ऐसे इसको, युवक को क्यों मार सकते हैं। तो फिर वो समझाते हैं तभी कि जैसे भगवान ये जो है सारे सारे विश्व में सब जगह रहते हैं, लेकिन मतलब ऐसे दिखाई नहीं देते, अव्यक्त रूप में जैसे सब जगह रहते हैं। तो फिर कैसे वो समझाने का कोशिश करते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसके शरीर में जो दर्द के रूप में जो ये प्रकट हुआ है, वो भी भगवान ही है, तो उस हिसाब से उसके लिए उसको दर्द हुआ वैसे। हरे कृष्णा तो इस प्रकार से जो लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं किधर है आपका भगवान, दिखाओ हमको भगवान, दिखाओ, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं, दिखाओ अपना भगवान कहाँ है। तो जब ये योगी बता रहा था कि भगवान है और भगवान की शक्ति सब जगह है, भगवान को हम देख नहीं सकते लेकिन उनको महसूस कर सकते, तो वो नहीं मानने के लिए तैयार था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमंडलू से उसके सिर पे मारा, तो वो जाके पुलिस को कंप्लेन किया। तो पुलिस ने उनको बोला कि अरे आपने इसको मारना अच्छा नहीं है, किसी के ऊपर हाथ चलाना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहाँ हाथ चलाया, वो उसको मुझे बताओ, वो उसको बताओ, मुझे बताओ उसको क्या हुआ। तो उसने बोला कि
बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो वो योगी ने बोला कि ठीक है, दर्द हो रहा है तो मुझे वो दर्द दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ वो दर्द को, तो मुझे देखना है, दिखाओ मुझे। तो बोला अरे मैं कैसे दिखा सकता हूँ दर्द को, मैं दर्द को नहीं दिखा सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप दर्द को दिखा नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते, इसीलिए भगवान को देख नहीं सकते लेकिन उनका उनको महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में, और वो महसूस करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जिस प्रकार से दर्द को महसूस करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए या कुछ कारण चाहिए, इसी प्रकार से भगवान को देखने के लिए या भगवान को महसूस करने के लिए जो है, ये शास्त्रों का जो चक्षु है उनसे हम देख सकते हैं। तो जो मनुष्य, आधुनिक मनुष्य की ढकी ढकी हुई ढकी हुई आंखों के लिए शक्तिशाली देवता तथा भगवान दोनों ही अव्यक्त बने हुए हैं। आधुनिक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, भले ही वे पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं हो। फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर में अस्तित्व परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। आई कैन नॉट सी, सीइंग इज बिलीविंग। देयर आर सो मेनी थिंग दैट यू डोंट सी। जैसे कि हम दर्द को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान को नहीं देख सकते लेकिन उनकी शक्ति को देख के हम अनुभव कर सकते हैं, कि इसीलिए तो ये सब जो है, भगवान जो है अपने विराट रूप में इन सब अल्पज्ञ लोगों के लिए अपना विराट रूप बताया, ताकि वो लोग जो है ये सब चीजें जो है इस जगत में, उनको देख के उनको पता लगेगा कि कुछ जो है इसके पीछे कोई होगा। बिहाइंड एवरी क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर, बिहाइंड एवरी कॉज देयर इज अ कॉज ऑफ द कॉज। ठीक है, उसको मारा तो मारने का कुछ कारण था, और उस कारणों के कारणों के कारणों के कारण, जिस प्रकार इस जगत में सब कुछ है, सभी कारणों के कारण भगवान है। भले ही हम उनको देख नहीं सकते लेकिन हम समझ सकते, महसूस कर सकते। तो ये महसूस करने की बात, पर उसको महसूस भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, अगर हम जो है उसकी विधि को अपनाएं, विधि को अपनाएं। अभी ये सब कुछ मेजर हो सकता है, अगर किसी को दर्द भी है वो पेन वेव से मेजर हो सकता है ना, पेन पेन वेव्स भी है, सब चीजों का वेव्स है। जैसे कि नेत्रों का भी स्पेक्ट्रम है, विजन स्पेक्ट्रम है, विजिबल विजन स्पेक्ट्रम क्या है, कुछ 360 to 740 कुछ विजिबल, ह्यूमंस का जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसका स्पेक्ट्रम के आगे अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेड नहीं देख सकते, एक्सरे देख सकते, इंफ्रा रेड लाइट देख सकते। एक्सरे देखा है किसी ने? देखा है, देखा है एक्सरे किसी ने? देखा है रे, एक्सरे को देखा है, वो रे दो लाइट देखा है। हम जो देखते हैं उसका परिणाम, रिजल्ट, द रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सरे ऑन अ फिल्म प्लेट, अल्ट्रावायलेट लाइट्स देखा है? नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा। पर हम मानते हैं ना कि हाँ, ये एक्सरे की वजह से, इसके कारण की वजह से हमें ये फोटो में, ये जो है एक्सरे, वो फोटो एक्चुअली रे है, वो लाइट है जो हम देख नहीं सकते। उस लाइट आता है ना, हम एक्सरे के लिए जाते तो क्या होता है, एक लाइट आता है ना, एक लाइट से वो जो है हमारे शरीर के अंदर से क्या हो रहा है वो पता लगता है। तो हम शरीर के अंदर देख भी नहीं सकते क्या हो रहा है, जैसे कि
कहा गया है कि मधुमक्खी जो है वो देख सकती है अल्ट्रावायलेट लाइट्स को वगैरह, क्योंकि वो जब जाते हैं मधु जो कलेक्ट करने के लिए, तो उनको पता लगता है कि कौन से फूल में सबसे, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेस से वो, लेकिन उनकी आंखें इतनी छोटी होती है कि उनको अफेक्ट नहीं करता। ये बहुत ही, ये साइंस में प्रूव्ड है कि कितना हमारा विजिबल रेंज ही नहीं है, हम क्या देखेंगे भगवान को, और हम कहते हैं भगवान को दिखाओ। साइंटिफिकली इट कैन बी प्रूव कि हमारा जो है विजन जो है कभी कभी इल्यूजन में डालते। बहुत सारे उदाहरण इसके ऊपर, पूरा सेमिनार कोई कर सकता टू प्रूव दैट द आईज आर लिमिटेड इन परफेक्ट सेंसेस, और इन क्या कहते हैं इम्परफेक्ट सेंसेस जो है से हम भगवान को देखना चाहते हैं। तो ये जो है इसका मतलब नहीं है कि भगवान नहीं, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो सब कुछ नहीं देख सकती है, तो इसका मतलब नहीं है कि भगवान नहीं है। तो फलस्वरूप वे देवताओं में या परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। इसके लिए देख, सीइंग इज बिलीविंग ना, सीइंग इज बिलीविंग। तो अभी जैसे कि एक लकड़ी को पानी के ग्लास में डालो, एक लकड़ी को पानी के ग्लास में डालो, तो लकड़ी कैसे लिखती है, टूटी हुई, ऐसा टेढ़ी रखती है। तो क्या वो लकड़ी टेढ़ी है? नहीं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इतने सारे लॉज है। तो ये बोले अरे दिखती है टेढ़ी, लेकिन जो कोई सोचेगा ये तो लकड़ी टेढ़ी है, लेकिन उसको निकाल के देखेगा सीधी है। तो हमारी दृष्टि जो है वो जो है दोषित है, पूर्ण नहीं समझ, कुछ हद तक हाँ पूर्ण नहीं समझ सकते हैं। उन्हें चाहिए कि प्रमाणिक शास्त्रों के पुष्टि को पलटें और मात्र अपनी अक्षम आंखों पर ही विश्वास न करें। शास्त्र चक्षु, इसके लिए ग्रंथों को कहते हैं विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये झांकियां, शास्त्र जो है ये झांकियां है, इस झरोके से हम जो है देख सकते हैं इसको, आध्यात्मिक जगत को। आध्यात्मिक जगत को अगर हम देखना चाहते हैं तो ये जो शास्त्रों के झरोखों या शास्त्रों के चक्षु द्वारा देख सकते। क्यों? क्यों? क्योंकि शास्त्र अपौरुषेय है। अपुरुषय समझाने के लिए यहाँ पे कितना सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हम उसके ऊपर समझ, लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे भागवतम को क्रम से नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं, तो हम इसमें ही जो भौतिकतावादी लोगों के ही इसमें खींचे जाएंगे, नॉट सीइंग व्हाट यू आर सीइंग और नॉट देयर कांट सी, शो शो शो। तो ये व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त जो है भगवान, भगवान जो है हमारे सामने प्रकट हो सकते। कैसे? यहाँ पे आगे बताया गया है, आज भी ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगाकर दक्ष आंखों से ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं, राइट? तो देखने के लिए ये जो प्रेम का अंजन, प्रेमांजन चुरिता,
भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेम का अंजन भगवान श्री श्याम सुंदर को देखने के लिए देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, किससे होता? भक्ति, भक्ति के द्वारा। भक्ति से हम भगवान को आमने सामने देख सकते। I worship the primeval Lord Govinda, who is Shyam Sundar Krishna himself with inconceivable, innumerable attributes. अचिंत्य, अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप कैसा है? अचिंत्य। और बहुत वो गुण को देखने के लिए एक अंजन जो inconceivable, innumerable attributes whom the pure devotees see in their hearts with the eye of devotion tinged with the salve of love. Bhakt kaise dekh sakta hai? Bhakti ke, bhakti vilochanena. विलोचनेना मतलब आंखों से, कैसे? भक्ति के आंखों से। भक्ति के आंखों से देख सकते हैं और ये प्रेम का अंजन उनके आंखों में रहता है और उनके प्रेम का अंजन रहने के कारण वे भगवान को देख सकते, नहीं तो नहीं। और ये प्रेम का अंजन प्राप्त करने के लिए ये शास्त्र जो है हमें वो प्राप्त कराता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत्।